हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आपका जो एनबीएस का एग्जाम होने वाला है 2024 में, जिसमें आपका एनबीएस का एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इसका 2022 में पेपर हुआ था, तो प्रीवियस ईयर पेपर किस तरीके से आया था, फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। किस किस लेवल के क्वेश्चन आए थे, किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे और क्या लेवल रहा था, और ईजी था, टफ था, क्या सारी चीज़ें थी, सिनेरियो थे, वो आपको पूरा इस वीडियो में पता चल जाएगा। सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं जेएसए के लिए बेस्ट बुक एंड टीचर ना, यही सेम जो बेस्ट बुक्स एंड बेस्ट टीचर है, आप एमटीएस के लिए फॉलो कर सकते हैं। पूरा जो सिलेबस मैंने बताया था वो पूरा जेएसए और एमटीएस का सेम है, ठीक है। वहाँ पर बस मैथ रीजनिंग हट जाएगा, बाकी सिम पूरा वो जो है, जो जेएसए का सिलेबस है वही एमटीएस का सेम सिलेबस, आपका सेम टॉपिक से क्वेश्चन उठ कर आपके एग्जाम में आने वाले, ठीक है। यहाँ पर ऑल पोस्ट के लिए मैंने कट ऑफ बता रखा है, नहीं देखा तो जाके चीज़ें देख लेना। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का ये वाला जो वीडियो है, डिटेल सिलेबस वाला, ये वाला देखना है आपको अगर आप एमटीएस की भी तैयारी करें। अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग से भी इसका वीडियो बना दूंगा, पूरा डिटेल में सिलेबस बना रखा है, पूरे 7 शिफ्ट को एनालिसिस करके जो प्रीवियस ईयर में आपके हुए थे, ओके। चलिए, इस तरीके से कंप्यूटर के पेपर करा रखे हैं यहाँ पर, जो 3 3 शिफ्ट हुए थे जैसे कि, ठीक है, 2019 में, 2022 की वो मिल जाएंगे आपको, जो कि आपके एमटीएस में, देखिए कंप्यूटर सेम है, चाहे एमटीएस का उठा लो चाहे जेएसए का, तो वही क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ये मेरा नवोदय विद्यालय था, यहाँ पर मेरी अपॉइंटिंग थी, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर वगैरह कट ऑफ वगैरह जेएसए का भी है, ठीक है। ये मेरी एनबीएस की प्ले लिस्ट है, यहाँ पर बहुत सारे आपके डाउट्स क्लिक हैं, और नई वाली प्ले लिस्ट है एनबीएस एग्जाम 2024 के नाम से, जहाँ पर आपको सारे वीडियो मिलते हैं, तो उसको जाके फॉलो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, एक सेकेंड, ये लीजिए, ये खुल गया आपका पेपर, ओके। तो चलिए यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ पेपर किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ओके। यहाँ से हम रेड कलर ले लेते हैं। तो देखिए, ये एनबीएस का एग्ज़ाम था मेरा, एमटीएस का मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि 10 मार्च 2022 को हुआ था, 12:30 से 3 बजे वाली शिफ्ट थी, ठीक है। और ये मेरा सेंटर था, ये मेरा नाम आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, पहले आपके हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन आए थे, यानी कि जो लैंग्वेज टेस्ट है उससे आए थे कितने, 20 और 20 क्वेश्चन। फिर आपका जीके वाला सेक्शन आया था, जिससे आए थे आपके 20 क्वेश्चन। फिर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है कंप्यूटर, उससे आपके 40 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके आए थे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ओके। तो सबसे इसमें जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप, अगर आप इसको ऊपर ऊपर से भी पढ़ते जाएंगे, अगर इसमें 10 से 12 नंबर भी आप ले आते हैं, और इसमें आप फुल में से फुल स्कोर भी कर सकते हैं, या 18 से 19 नंबर, 18 18 17 17 नंबर यहाँ पर ले आते हैं, और कंप्यूटर में कम से कम 35+ नंबर ले आते हैं, तो आपका डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल रहा था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ठीक है, यहाँ जो एनबीएस की तरफ से जो एक आंसर दिया गया था, और जो मैंने आप यहाँ पर आंसर की दिया था, वो कितने सिमिलर है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना है और दोस्तों का शेयर भी जरूर कर देना, ओके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ठीक है। इस सेंटेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर इन स्पेलिंग, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब क्या करते हैं, जो ज़्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में पढ़ लेते हैं कि एक यहाँ पर सेंटेंस है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब एरर पूछ रहा है, वो सीधे पढ़ेंगे वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, और इस चीज़ को भूल जाएंगे। देखना, जो स्पेलिंग वाली सिनेरियो लिखा हुआ है यहाँ पर, उस चीज़ को वो क्या करेंगे, यहाँ से भूल जाएंगे कि स्पेलिंग, भाई वो स्पेलिंग में एरर पूछा है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। वो पूरे सेंटेंस में एरर नहीं पूछ रहा, टेंस या जो आपका टेंस का वर्ब का जो जो एक एरर आता है हमारा, जो कि आपका ग्रामेटिकल एरर होता है, वो नहीं, स्पेलिंग एरर पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चंस को पूरा और ध्यान से पढ़ना, तभी आप आंसर दे पाएंगे, वरना आप इसमें आंसर, इसमें आप कमी ढूंढते रह जाओगे, आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि सेंटेंस करेक्ट है बिल्कुल। अब इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है, क्या स्पेलिंग मिस्टेक है वो देखिए, एज एज द पाथ लाइज थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट यू शुड टेक अ गाइड, ठीक है। क्योंकि जो रास्ता है वो एक सघन जंगल से होकर जा रहा है, तो आपको उसके लिए एक गाइड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है इसमें मिसस्पेलिंग की गलती है, ठीक है। अगर आप इसको सेंटेंस के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको कोई गलती नहीं मिलेगी, बट मीनिंग की गलती है, मीनिंग इसमें जो गलत है वो है डेंस की, क्योंकि डेंस जो सघन वाला, जो डेंस का मतलब होता है सघन, तो वो डेंस होता है DENSE, डेंस, ठीक है। यहाँ पर डेंस लिखा है तो ये गलती है, ठीक है। तो इसलिए जो इस वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस वाले पार्ट में आपका क्या एरर हो जाएगा। तो एक एनबीएस के द्वारा आंसर किया गया था, और जो चूज ऑप्शन आईडी, जो कि मेरे द्वारा आंसर्ड किया गया था, वो था नंबर 1, तो यानी कि ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाता, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर वहाँ पर देना होता, ओके।
दूसरा क्वेश्चन था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल लाइन, यानी कि इस फिलिंदा ब्लैंक्स में सही ऑप्शन क्या था। तो क्वेश्चन था कि आई एम श्योर ही डैश यू इफ यू आस्क हिम, तो यहाँ पर एक सेंटेंस जोड़ा गया। जो दोस्तों ये जो इफ वगैरह से कैन सेंटेंसेस होते हैं, इफ हो गया, वैन हो गया, है ना, प्रोवाइडेड हो गया, अंटिल हो गया, अनलेस हो गया, इनको बोलते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं, ये टेंस का ही एक पार्ट होता है, इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि जिस पार्ट में शर्त दी होती है, इफ यू आस्क हिम, अगर तुम उससे पूछोगे, ठीक है, इफ यू आस्क हिम, अगर अगर आप उससे पूछोगे, तो यहाँ शर्त दे रखी है, तो शर्त वाला जो बाकी होगा हमेशा किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, तो ये प्रेजेंट टेंस में, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। ठीक है, फ्यूचर में भी होता है, प्रेजेंट में होता है, बट ज़्यादातर इसके जो कुछ रूल्स होते हैं, चार पांच रूल मैं आपको करा दूंगा, इंग्लिश की क्लास लूंगा, तो वहाँ पर वो किस में होगा, फ्यूचर में। तो यहाँ पर देखिए, आई एम श्योर ही विल हेल्प यू, ठीक है, ये इज हेल्पिंग है तो ये प्रेजेंट में, हेल्प्स प्रेजेंट में, हैज हेल्प ये भी प्रेजेंट में, तो विल हेल्प आपका जो होगा ये किस में, फ्यूचर में। ठीक है, तो ये वाला शर्त वाला प्रेजेंट में हो गया, ये वाला फ्यूचर। अगर आप इसको नॉर्मली भी पढ़ते, अगर आपको ये रूल भी नहीं मालूम हो, तब भी आप देखिए किस तरीके से आपको पढ़ना था, आई एम श्योर ही डैश यू इफ़ यू आस्क हिम, तो आपको पढ़ना यहीं से था कि अगर मैं उससे पूछूंगा, है ना, इफ़ यू आस्क हिम, अगर तुम उससे पूछोगे तो वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा, मदद करेगा, यानी कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा है, तो विल हेल्प की यहाँ पर फीलिंग निकल कर आती है। ठीक है, तो इस तरीके से करेक्ट होगा, तीन नंबर मैंने चुना था, तीन ही यहाँ पर करेक्ट था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मैंने आपको वोकैब बताई थी कि वोकैब से आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन के फॉर्म में इन्होंने दिया है कि आई वॉज फीलिंग फीवरिश, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फीवर था। आई आस्क फॉर द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग माई टेम्परेचर, मैंने कहा, पूछा कि भाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दो जिससे मैं अपना टेम्परेचर माप सकूँ। तो क्या होता है, वो थर्मोमीटर होता है। ठीक है, सिंपल आंसर है। अगला क्वेश्चन था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पर था फिल इन द ब्लैंक में बोला था देयर इज डैश ऑरेंज ट्री इन माई गार्डन। सबको मालूम भाई ऑरेंज से पहले क्या आता है, एन आता है। ठीक है, जितने भी ए आई ओ यू ई, ए आई ओ यू होते हैं, इस जो आपके वॉवल्स होते हैं, इनसे पहले क्या आता है आपका, ए है, एन आता है। ठीक है, चलिए सॉरी, एन आता है। देखिए अब रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, दो क्वेश्चन आ गए आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से। यहाँ पर बोला है इन रानीखेत देयर आर अ नंबर ऑफ गार्डन्स विद एप्पल ट्रीज, तो उस गार्डन को क्या बोलेंगे जहाँ पर बहुत सारे एप्पल के पेड़ हैं, यानी कि सेब के पेड़ हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्कैड्स, है ना, ऑर्कैड्स बोलते हैं, यानी कि जो सेबों की जो झाड़ियाँ होती हैं, सेबों के जो पेड़ होते हैं, सेब के जो बगीचे होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्कैड्स। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने भी वही आंसर चूज़ किया था। ठीक है, अब मेरा भी आंसर मैच देखते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन हमें पहले पढ़ना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन प्रोवर्ब इन द गिवन सेंटेंसेस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर प्रोवर्ब है, कुछ कहावतें होती हैं। ठीक है, तो वो कहावत सही है या नहीं है, आपको अगर उसमें कोई करेक्शन है तो नीचे में से कौन सा करेक्शन इसमें फिट बैठेगा, अगर नहीं है तो आप नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन था आई आस्क्ड माई ब्रदर टू ड्राइव स्लोली, ठीक है, ऑन द माउंटेन रोड। ठीक है, मैंने अपने भाई से पूछा कि जो मतलब गाड़ी है माउंटेन पर धीरे चला लो, इट इज़ बेटर लेट देन नेवर, मतलब देर आए दुरुस्त आए, है ना, दुर्घटना से देर भली, इस तरीके का इसका सेंटेंस निकलता है, बेटर लेट देन नेवर, भाई लेट पहुंच जाओ, इससे अच्छा कि कभी पहुंचे ही ना। ठीक है, तो गाड़ी भाई धीरे चला लो, है ना, इस तरीके का भाव आता है भाई, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है, बेटर लेट देन नेवर, मतलब दुर्घटना से देर भली या देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट कम से कम वो आ तो गया, है ना, मतलब यहाँ नई उम्मीद थी आने की, कम से कम वो आ तो गया, है ना, तो यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हुआ, ये मेरा गलत हो गया। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिनोनिम हमें ढूंढना है अंडरलाइन वर्ड का, तो सीज्ड, सीज्ड कर देना, जैसे आपने सुना होगा कि जो आतंकवादी थे उन्होंने सीज कर दिया, गवर्नमेंट ने किसी दुकान को सीज कर दिया, तो उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया बेसिकली, तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन ऑफ देम कंटेंट एन एरर इन स्पेलिंग, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेंट्स एन एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, फिर से मैं बोलूंगा, यहाँ पर एरर एरर पढ़ रहे थे पर स्पेलिंग आप भूल गए, तो स्पेलिंग में एरर है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कौन सी स्पेलिंग में एरर है, तो तीसरे नंबर की, यहाँ पर मैंने भी तीसरा नंबर ही चूज किया था, देखिए। ठीक है, तीसरे नंबर में क्या है, जो किचन्स की स्पेलिंग है वो गलत है। ठीक है, किचन्स नहीं होता, किचन होता है, ठीक है, किचन, ओके, चलिए ठीक है। इसमें से सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, द चैप्टर ऑन लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स बिगिंस डैश पेज 16 ऑन योर जियोग्राफी बुक,
पेज ऑन पेज होगा, ठीक है, पेज के ऊपर होता है ना, पेज के अंदर तो होता नहीं है, पेज के ऊपर ही लिखते हैं ना हम जो भी चीज लिखते हैं, तो ऑन पेज होगा, ना पेज के साथ लिखते हैं, ना पेज के अंदर लिखते हैं, ना पेज के लिए लिखते हैं, पेज के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर है लॉन्गिट्यूड का वो 16वें नंबर के पेज से स्टार्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से। एंटोनिम ढूंढना है हमें टिमिड, टिमिड का मतलब होता है बुझा हुआ, मतलब एक डल डल सा, इस तरीके की चीज़ें होती है, मतलब बिल्कुल नीरस आप टाइप का कह सकते हैं, है ना, मतलब जिसके अंदर कोई भावना ही नहीं बची, मतलब बिल्कुल थका हारा सा इस टाइप का बोल सकते हैं टिमिट का, है ना, अंधकार टाइप का। तो इसका मतलब हो जाएगा उल्टा आंसर हो जाएगा बोल्ड, है ना, एंटोनिम आपको ढूंढना है तो बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड बिल्कुल साहसी है, उत्तेजना से भरा हुआ है ना, तो बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे, एफरेट डरा हुआ, शाय शर्मिला, है ना, नर्वस, ये सारे टिमिट के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ध्यान रखना, और बोल्ड जो है आपका एंटोनिम्स हो जाएगा, ओके। चलिए अगला है स्टिकी फिंगर्स, स्टिकी फिंगर्स ये आपका आ गया ईडिम्स, ईडिम्स आते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है, सिलेबस जाके एक बार चेकआउट कर लेना। तो स्टिकी फिंगर्स का क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे चोरी करने की आदत है, जहाँ पे कहीं पे भी गया, रिश्तेदार के यहाँ पे कोई चीज सामान मिला, या कहीं पे बैंक में गया कोई सामान मिला, मतलब एनी जगह वो गया और उसे ऐसा कोई सामान मिलता है कि भाई कोई देख नहीं रहा, तो उसकी फिंगर्स जो है ऐसी है भाई कि मतलब जहाँ जाएगा कुछ ना कुछ उठा के ले आएगा वो, ऐसे होते हैं ना बच्चे लोग होते हैं, अरे यार कुछ बच्चे कुछ शरारती होते हैं, वैसे कुछ ज़्यादा नहीं होते, कुछ शरारती होते हैं कि जहाँ जाएंगे कुछ ना कुछ उठा के ले आएंगे, फिर घर पे आके पता चलता है कि यार अरे वो बच्चे, मामा पूछेंगे बेटा ये कहाँ से ले आए, ये तो उनके यहाँ से उठा लिया, अब बता, अब वो भी बताने के नहीं है समझ रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं एन इंक्लाइनेशन टू स्टील, यानी कि चोरी की तरफ आकर्षित होना, उसको बोलते हैं हम इस्ट की फिंगर, है ना, वो ना चाहते हुए भी चोरी की तरफ आकर्षित होता है, ऐसा इसका मतलब है, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये बोला दिस इज द होटल डैश वी स्टेड लास्ट टाइम व्हेन वी लास्ट कम टू वैष्णो देवी, ठीक है, ये वही होटल है जहाँ हम पहले रुके थे, जब हम पहली बार जब हम लास्ट टाइम वैष्णो देवी आए, ठीक है, तो ये वही होटल है जहाँ हम पहले, ठीक है, तो जहाँ वेयर, वेयर आने होता है जहाँ, ठीक है, जब नहीं होगा जब वी स्टेड, जब नहीं वेयर, जहाँ हम पहले रुके, दिस इज द होटल, ये वही होटल है जहाँ हम पहले रुके थे, ठीक है, हिंदी मतलब निकालेंगे तो बिल्कुल सही आपको निकलेगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, समानार्थी आपको ढूंढना है, सिनोनिम ढूंढना है, एक्सपेंसिव महंगा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। चलिए मॉडरेट सामान्य हो जाएगा, है ना, और चीप सस्ता हो जाएगा, डेकोरेटेड सजा हुआ हो जाएगा, तो ये तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पर बोला है वी फिल इन द ब्लैंक्स, तो देख सकते हैं आप सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स से बनते हैं, और इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्रामर से उठ के आते हैं, जैसे आर्टिकल हो गया, वर्ब हो गया, टेंस हो गए, है ना, इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन से उठ के आते हैं, ज्यादातर आर्टिकल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मिस्टर आनंद वर्क इन डैश सेम ऑफिस एज आर हस्बैंड, ठीक है, तो मिसेस आनंद, मिस्टर है मिसेज, ठीक है, तो क्या है ये, है ना, मिस्टर आनंद, सॉरी पता नहीं जो भी, ठीक है, आनंद वर्क इन सेम ऑफिस एज हर हस्बैंड, ठीक है, तो मिस्टर ऑफिस जो है वो इन द सेम, सेम के लिए दा, जब भी सेम आएगा तो उसके पहले दा लगता है, वैसे भी जब एक ही ऑफिस की भाव दे रहा तो एक निर्धारित चीज कर दी तो वहां पर भी दा लगेगा और सेम से पहले दा आता है, ठीक है। चलिए एंटोनिम ढूंढना है हार्डी, हार्डी यानी कठोर, है ना, तो डेलिकेट हो जाएगा इसका मतलब नाजुक, ठीक है, हो जाएगा टफ, देखिए टफ रोबस्ट और स्ट्रांग तीनों ही हार्ड के मजबूत के साउंड देते हैं, तो इसके सिनोनिम हो गए, बट हमें ढूंढना है एंटोनिम डेलिकेट, डेलिकेट का होता है नाजुक, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए एक पैसेज यहाँ से पूछा गया था, पैसेज में पूछा गया था, देखिए पैसेज में क्या लिखा था कि नर्मदा रिवर इज अ मेजर एंड इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ सेंट्रल एज वेल एज वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा सेंट्रल इंडिया है और जो वेस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, उसकी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है कौन सी, नर्मदा, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक, सॉरी, है ना, इट इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक के पठार से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है जबलपुर के पास में, ठीक है, एंड देन वाइल ट्रेवलिंग इट टचेज द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड एंटर्स गुजरात बिफोर ड्रेनिंग इन टू द गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, तो ये गल्फ के खंबात में गिरती है, उससे पहले ये महाराष्ट्र से होते गुजरती है और महाराष्ट्र के जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ से टच होकर निकलती है और गुजरात में बहते हुए गल्फ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जहाँ पर ये भरूच जो सिटी है गुजरात में, जहाँ पर मेरी पोस्टिंग है बड़ोदरा, वहाँ से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर भरूच एक सिटी है छोटी सी, वहाँ पर उसके नियर में है गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, वहाँ पर ये ड्रेन हो जाती है और समुद्र में जाके मिल जाती है, ओके।
द ओरिजिन ऑफ द रिवर इज एन ओपन पूल नर्मदा कुंड लोकेटेड इन अमरकंटक। जो इसका ओरिजिन है वो कहाँ से है, एक ओपन पूल है, खुला हुआ एक पूल है, कुंड है, जिसे हम नर्मदा कुंड के नाम से जानते हैं, जो कि अमरकंटक में स्थित है, वहाँ से निकलती है। द पूल इज कंसिडर्ड होली, जिसे पवित्र माना जाता है। वेरियस हिंदू टेम्पल्स ऑफ मैनी गॉड्स एंड गॉडेस, है ना, जो देवी देवता हैं बहुत सारे, जो हिंदू हिंदुओं के जो देवी देवता हैं बहुत सारे, कवर्ड नर्मदा कुंड, इंक्लूडिंग सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल, सूर्य नारायण टेम्पल एंड अन्नपूर्णा टेम्पल। टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विजिट दिस साइट। ठीक है, तो जो पूरा जो एक आपका जो कुंड है नर्मदा कुंड, वो कई सारे मंदिरों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर इंडिया के कई पार्ट से, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, इवन वर्ल्ड्स के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जो विजिटर्स हैं यहाँ पर विजिट करने आते हैं। ठीक है, सॉरी। नर्मदा रिवर इज अ वाइडली रिगार्डेड एज सिग्निफिकेंट रिवर इन दी पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो नर्मदा रिवर एक प्रायद्वीपीय, पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। ठीक है, प्रायद्वीप भारत यानी कि जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ, जो तीन ओर से जो समुद्र से घिरा होता है, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, उसकी एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, चलिए। फ्लोइंग फ्रॉम टू ईस्ट टू वेस्ट, कहाँ से कहाँ तक बहती है, ईस्ट से वेस्ट, ऐसे बहती है। ठीक है, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है आपका वेस्ट। ठीक है, तो ये एमपी से आपके निकलती है इस तरीके से। ठीक है, इस टाइप में डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, एमपी से निकलते हुए महाराष्ट्र के कुछ टचेस करेगी और फिर गुजरात में यहाँ पर समुद्र कंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ओके, चलिए अगला है। ईस्ट टू वेस्ट अलॉन्ग विथ अदर रिवर्स लाइक माही रिवर एंड ताप्ती रिवर। अब देखिए, ये जो माही रिवर है और जो ताप्ती रिवर है, ये भी, ये तीन रिवर ऐसी हैं, आपसे पूछा जाता है कौन सी वो नदियां हैं जो कि आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में शामिल है। ठीक है, तो इसमें महानता, महानता करके ये इसका वो आता है। ठीक है, महानता करके, जिसमें महानदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, ठीक है, और माही नदी है ना, माही नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और जो ताप्ती नदी है, ये वेस्ट की ओर बहने वाली नदियां हैं। कहाँ पर, पश्चिम की ओर। शायद इसमें एक महानदी है, वो भी आपकी वेस्ट की ओर बहती है। ठीक है, इसका एक बार चेक कर लेना। बट ये जो तीन नदियां हैं, ये आपकी कहाँ बहती है, वेस्ट की ओर बहती है। ये जीके का पार्ट बनता है, इसलिए मैं थोड़ा बता दिया। इट इज ऑल्सो नोन एज रेवा रिवर। ठीक है, तो जो आपकी नर्मदा नदी, उसको रेवा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इट फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली, ये सकरी घाटी में बहती है, रिफ्ट घाटी नहीं, सकरी जो घाटी होती है उसमें बहती है। एंड डिवाइडेड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया, और जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है अपना, उसको साउथ इंडिया में ये जो है डिवाइड कर देती। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बना के देख लेते हैं अपन। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा अपना इंडिया वाला पार्ट बनता है। ठीक है, इस तरीके से ये अपना इंडिया बनता है। ये यहाँ कहीं आपका जो मध्य प्रदेश वाला सिनेरियो वो है ना, यहाँ से ये आपका थोड़ा, ये महाराष्ट्र वाला सेक्शन है, महाराष्ट्र वाला, ये आपका एमपी सेक्शन है, और ये आपका गुजरात वाला सेक्शन है। तो ये यहाँ से निकलती है, और ये महाराष्ट्र के कुछ स्टेट यहाँ पर पड़ते हैं, उसको टच करते हुए ये गुजरात में ऐसे होते हुए यहाँ पर जाके खंबात की खाड़ी में ये आपकी मिल जाती है। ओके, तो इस तरीके से जो ये नदी है, ये क्या करती है, जो जब ये यहाँ से निकलती है ना, इस तरीके से जो निकलती है, तो ये क्या करती है, जब ये एमपी के बीचों बीच से निकली होगी, ये बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच से निकली, तो ये होता है आपका नॉर्थ इंडिया ऊपर वाला, नीचे वाला आपका होता है साउथ इंडिया। तो ये क्या करती है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है हमारे भारत को। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसा बोला गया था, है ना। तो इसको देख लेना एक बार। ठीक है भाई, चित्र पर मत जाना, है ना, जल्दी जल्दी बनाया। चलिए चलिए, हम स्टार्ट कहाँ तक थे वो देख लेते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर बोला है नर्मदा रिवर इज अ कंसिडर्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन के रूप में जानी जाती है, यानी जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। एज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, इरीगेशन एज वेल एज इन ट्रांसपोर्टेशन थ्रू इनलैंड वाटरवे। इसका जो उपयोग है वो खेती बाड़ी में, सिंचाई में, इसके अलावा जो इसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह सामान का या व्यक्तियों का, तो वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नर्मदा इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ वेरी सेक्रेड रिवर, इसे एक पवित्र नदी माना जाता है। एज मैनी रिलीजियस प्लेसेस इंक्लूडिंग ओंकारेश्वर इसके तट पर है, ज्योतिर्लिंग आर सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। ठीक है, इट इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया विच फ्लोज विद इन इट्स बाउंड्री आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा। कृष्णा रिवर और गोदावरी नदी की, रिवर के बाद बाउंड्री के बाद, ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर आपकी मानी जाती है। ओके, चलिए। इट हैज़ सम ऑफ द पेनोरामिक घाट्स ऑन इट्स बैंक, इट एट द होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर, द रिवर फ्लोज थ्रू द मार्बल रॉक्स। ठीक है,
ठीक है। तो कुछ पैनारोमिक दृश्य जो होते हैं, मतलब ऐसे दृश्य जो मन मोह लेते हैं, उनको बोलते हैं पैनारोमिक दृश्य, जो घाट्स के इसके हैं, जो कि होशंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसके देखने को आपको मिलते हैं। जबलपुर के निकट में क्या होता है, जबलपुर के निकट जब ये नदी बहती है, तो ये मार्बल रॉक्स है ना, जो आपके मार्बल्स होते हैं, संगमरमर जो होते हैं, उसको यहाँ पर ये वहाँ पर जो मार्बल्स होते हैं वो बनाती है। ठीक है। द रिवर हैज़ कार्व्ड द सॉफ्ट मार्बल, सॉफ्ट मार्बल बनाती है अपने जो पानी की धारा है उससे, क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल गॉर्ज और अबाउट 8 किलोमीटर इन लेंथ। ठीक है, जो कि 8 किलोमीटर लंबे हो सकते हैं। इट इज़ पॉपुलर इंडियन टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और जो कि एक इंडिया का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पॉपुलर। ठीक है। द लोकल मार्बल इज माइंड एंड कार्व्ड इंटू वेरियस फिगर्स एंड ट्रांसपोर्टेड ऑल ओवर इंडिया, और फिर जो लोकल मार्बल है वहाँ की उसको तराशा जाता है और इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको यहाँ पर पहुँचाया जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नर्मदा, हमने पढ़ा था रीवा नदी के नाम से जाना जाता है नर्मदा को। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसको ब्लू कलर में ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट लोकेटेड इन नर्मदा कोट। ठीक है, तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं है। ठीक है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इसके तट पर बचा हुआ एक क्या है, प्लेस है। ठीक है, क्या है, रिलीजियस प्लेस है। बट इसके जो टेम्पल्स की बात किया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सूर्यनारायण टेम्पल, अन्नपूर्णा टेम्पल और सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच इज द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट लाइकली टू अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। ठीक है, तो कौन सा है, वो है गल्फ ऑफ खम्बात नियर भरूच। ठीक है, मार्बल रॉक्स अभी आपने पढ़ा, करते हैं अट्रैक्ट, होशंगाबाद भी अट्रैक्ट करता है, नर्मदा कुंड करता है, गल्फ ऑफ खम्बात में तो गिरती है या नहीं करता। ठीक है, पता नहीं ये मैंने क्यों आंसर लगा दिया, क्या सोच के आंसर लगाया था भाई, है ना। नर्मदा रिवर इज कंसिडर्ड एज अ लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, वॉट इज द मेन रीजन। मेन रीजन क्या था, ये क्या करती है, इरीगेशन सिंचाई में और ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी यूजफुल है इसलिए। ओके, चलिए अगला है, वट आर द ओरिजिन एंड प्लेसेस, एंड प्लेस ऑफ नर्मदा रिवर, कहाँ से निकलती है भाई, अमरकंटक से और खम्बात की खाड़ी, अमरकंटक से गल्फ ऑफ खम्बात। ठीक है, चलिए अब आगे हिंदी, अब प्लस ईंधन, अभिंदन। ठीक है, अभिंदन हो जाएगा, तो इसमें कौन सी संधि है, तो भाई अब यहाँ से ही नाम स्पष्ट होता है। देखिए, अप यानी पा लग गया पीछे, और इसमें आ भी नहीं है, या तो ये पा पूरा होता तो क्या हम इसको तोड़ सकते थे इस तरीके से, तब ये स्वर संधि के चले जाता, बट यहाँ पा आधा है यानी कि केवल व्यंजन है, और व्यंजन के बाद कुछ स्वर भी आ सकता है, तो यहाँ पर व्यंजन लग गया तो ये व्यंजन संधि हो जाती है, और ये सारे जो तीन पार्ट है ये स्वर संधि के पार्ट है, तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर हो जाएगा वो व्यंजन संधि की ओर चला जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए, पांच जूतियों और हुक्के का पानी, यह कहावत कब कही जाती है, मतलब ये कहावत कही जाती है जब कोई ऐसी मांग करे जिसके वह योग्य ना हो, तब कहते हैं पांच जूतियां और हुक्के का पानी। ठीक है, तो इसको ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लोकोक्ति होती है, मुहावरे होती है, कहावत होती है, उससे कई सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी रेयर क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर बना था। ठीक है, चलिए, गंगा का पर्याय निम्न में से क्या है, तो जाह्नवी जो है आपका, ये गंगा का पर्याय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा, जाह्नवी जो है आपका गंगा के पर्याय के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका जो है ये महानदी वाला सेक्शंस हो गया है ना, और भी सारे जो सेक्शंस आते हैं इसमें, वो आपके इस तरीके से जाने जाते हैं। इसमें आपका जितनी भी जो और नदियां होती है, जैसे गंगा, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, सुर सरिता है ना, विष्णुपदी, नदीश्वरी, त्रिपदगा, तो ये सारे जाह्नवी के पर्यायवाची हैं। वनिता किसको बोलते हैं, वनिता स्त्री को बोलते हैं, स्त्री, महिला, दारा है ना इसको। सुरवाला जो अप्सराएं होती हैं, देवबाला, सुरसुंदरी, दिव्यांगना, इनको बोलते हैं। सरिता, सरिता बोलते हैं आप जो, सरिता बोलते हैं आप नदी को। ठीक है, जो नदी होती है उसको आप बोलते हैं सरिता। ठीक है, जो नदी होती है ना उसको आप क्या बोलते हैं, सरिता। ठीक है, जाह्नवी गंगा का है, ध्यान रखना, जाह्नवी गंगा का है, सरिता नदी का, इस चीज़ का बेहद ध्यान आप रखिएगा। इसमें यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए अलंकार से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला है। राम पियारा छांडी करी, करे आन का जाप, वैश्या केरा पुत ज्यों, कहे कौन सो बाप। तो यहाँ पर क्या किया जाए, उपमा की जा रही है, राम की जो उपमा है। ठीक है, तो जिस तरीके से जो राम प्यारा, जो राम के प्यारे हैं, वो क्या करते हैं, प्रियतम राम को छोड़कर अन्य देवी देवताओं का जाप करने लगते हैं, उसी प्रकार से जो वैश्या का जो पूत होता है वो किसे अपना बाप कहेगा उसे यही नहीं पता होता। ठीक है, तो यहाँ पर राम की जो तुलना है वो वैश्या से की जा रही है, मतलब राम का जो संदर्भ है वो वैश्या के रूप में देखा जा रहा है, मतलब इस तरीके से उसकी तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा ना, यहाँ पर तुलना की जा रही है। ठीक है, ओके, चलिए अगला है, तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सुमेलित तो नहीं है, ध्यान रखना नहीं है पे ध्यान देखना बेसिकली, इस क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूजन थे। तो तद्भव, तद्भव ठीक है, तत्सम शब्द होता है जो कि संस्कृत के समान हो, पुराना शब्द हो,
तद्भव क्या होता है? संस्कृत से उत्पन्न या नया शब्द जो कि आज के जमाने में यूज किया जाता है, तत्सम पुराने जमाने में यूज किया जाता था। तो यह तत्सम, देखिए पहला आपका तद्भव होगा यानी कि नया वर्ड होगा, और जो सेकंड नंबर पे होगा वो आपका पुराना वर्ड होगा, इतना समझ लो। ठीक है, यहाँ पर संस्कृत वाली भाषा होगी, यहाँ पर हिंदी वाली भाषा का यूज किया। तो देखिए गदर्भ, तो यहाँ पर ये सही है, हमें देखना गलत ढूंढना, ध्यान रखना गलत, ठीक है ध्यान रखना भाई गलत ढूंढना है। ये तो मैंने सही पैटर्न बना दिया, इसका रिवर्स ढूंढना है आपको, ध्यान रखना, यानी कि नया इधर होना चाहिए और पुराना इधर, क्योंकि तो उसने नहीं पूछा नहीं है। तो पहले गदर वो बोलते थे यानी पुराना गदर था, अब गदा हो गया, पहले गंभीर था अब गहरा हो गया, पहले चंद्र था अब चांद हो गया, भाई कोयल और कोकिल, तो पहले कोकिल थी अब कोयल हो गया, ठीक है, तो पुराना क्या था कोकिल, नया क्या है कोयल। तो यहाँ पर ये आंसर सही होगा कि नहीं उसने बोला है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो तीसरा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप। बेसिकली नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पूछा। अब देखिए यहाँ पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कूट का एक अर्थ नहीं है, फिर से नहीं है ना, कूट का अर्थ नहीं है। तो कूट का होता है जो पर्वत की चोटी होती है, वो पहाड़ की चोटी है ना, कूट का मतलब छल होता है, निष्कपट है ना, द्वेष धोखा इस तरीके की चीज, तो छल हो गया, नोक हो गया, चोटी हो गई पर्वत की, वो ही कूट के अंदर आता है। ठीक है, बाकी जो श्रेणी है ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा अलंकार है? तो देखिए अलंकार से दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन गए। तो इसमें पूछा है उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो उदित उदयगिरी मंच पर, तो उदित उदित यानी उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ, उदयगिरी का जो मंच है ना, उदयगिरी जो पर्वत है वो एक मंच के समान लग रहा है, रघुबर बाल पतंग, बाल रघुबर जो बाल पतंग यानी कि सूर्य के समान हो रहा है रघुबर जी, विकास विकास है संत सरोजवन, और संत रूपी जो कमल है वो हर्ष लोचन रंग जो नयन है वो मुंह जो भौरा होता है उसकी तरह प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो इसमें अलंकार पूछा गया, तो इसमें जो अलंकार होगा वो होगा रूपक अलंकार। ठीक है, जिसमें क्या है समानता, गुण के आधार पर समानता मिले, जैसे उदित उदयगिरी मंच, तो उदयगिरी पर्वत है पर वो मंच जैसा लग रहा है, यानी कि जो पर्वत की चोटी होती है उसको मंच बना दी, रघुवर बाल पतंग, रघुवर जो प्रभु राम है तो वो सूर्य के समान लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से जो बाल उनका, संत जो है वो कमल कमल के समान लग रहे हैं, हर्षल लोचन भ्रंग, तो जो नयन है वो भोरे के समान हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, गुण के आधार पर यहाँ पर जो समानता है वो प्रकट करने की कोशिश की गई, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के दोनों शब्द आपस में विपरीतार्थी यानी अपोजिट है, तो बागमी और मितवासी क्या अपोजिट है, बागमी यानी बहुत बोलने वाला, मितवासी यानी कि कम बोलने वाला। अगला है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्राय एक वचन में और कभी कभी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आ गया द्रव्यवाचक संज्ञा, तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्राय एक वचन में और कभी कभी बहुवचन में प्रयोग होता है, तो वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, तो आपको संज्ञा वाला टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, हिंदी भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, इंग्लिश की वोकैब्स भी आपको करा दूंगा जो कि डायरेक्ट मेरे नोट से उठ के आती है। ठीक है, हिंदी के सारे टॉपिक्स जो है आपको कराऊंगा डायरेक्ट, आपको मेरी जो मेरे जो नोट्स हैं वहीं से आपको देखने को मिलेगी, और बिल्कुल डेफिनेटली आप हिंदी में अच्छा स्कोर करके आने वाले। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, बट यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा इन्होंने आंसर को चूज़ किया, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा में भी आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछने की कोशिश की गई थी। तो संज्ञा, अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, तो ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन माप या तोल सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं, जैसे हीरा, चीनी, दूध, कोयला, पुस्तकालय है ना, या कोई भी मटेरियल हो गया आपका, पानी हो गया, इस तरीके की चीज़ें, पेट्रोल हो गई, तो इस तरीके से द्रव्य यानी पदार्थ की बात की जा रही है, ऐसा पदार्थ जिसे हम केवल माप तोल सकते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते उसकी। ठीक है, ध्यान रखना काउंटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका ये मान के चलिए जैसे चांदी है, चांदी को हम क्या कर सकते हैं, केवल तोल सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो मेटल है। ठीक है, तो चांदी बहुत सुंदर धातु है, ये हो गया एक वचन में। अब यहीं पे हम ले लें कि चांदी के आभूषण बहुत सुंदर बनते हैं, तो चांदी के आभूषण बहुत सुंदर बनते हैं, तो ये बहुवचन में आ गया। तो इस तरीके से इसका प्रयोग जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, चलिए अगला है, देखिए संधि से क्वेश्चन छूट के आया, तो संधि से दूसरा क्वेश्चन है, तो संधि अलंकार हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते बनते आपके, तो महा महोषध, महोषध में कौन सी संधि है, तो उसमें वृद्धि संधि है। ठीक है, ये सारे स्वर्ग संधि के जो स्वर संधि है उसके प्रकार है, तो इसमें महोषध, तो इसमें इस तरीके से इसका संधि विच्छेद होगा, महा प्लस औषध, इसमें क्या होगा आ धन आ, यहाँ निकलेगा प्लस ओ निकलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अ आ के बाद ए या अय आए, तो दोनों मिलकर बड़ा आई बन जाते हैं, या आ के बाद छोटा ओ या बड़ो ओ आए, ये दो मात्रा वाला, तो दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं,
ये होता है, तो बड़ा के बाद बड़ा हुआ तो क्या बन जाएंगे दोनों मिलकर, ओ, और यहाँ पता हा, तो ये क्या हो जाएगा, हो, तो महो शत। ठीक है, इस तरीके से आपका संधि चलती, बिल्कुल आपको अच्छे से रटा दूंगा किस तरीके से संधि चलती। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो एक शब्द के क्वेश्चन भी आते हैं, भोजन करने की इच्छा उसे बोलते हैं बुभुक्षा, क्या बोलते हैं बुभुक्षा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संख्यावाचक शब्द में द्वंद्व समास नहीं होता है, द्वंद्व समास नहीं होता है, तो 99 में द्वंद्व समास नहीं होता, ध्यान रखना 99 में, ये वर्ड थोड़ा सा अटपटा लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 16, 10 और 6, 12, 10 और 2, 41, 40 और 1, इस तरीके से 99 में नहीं होगा। ठीक है, इसमें नहीं होता, ये 99 लिखा हुआ है, एक गलत वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ द्वंद्व समास नहीं होता, द्वंद्व में होता है और छुपा होता है उसमें। ठीक है, सॉरी, जब आपको समास पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से चीजें करा दूंगा। मुश्किल आसान करने के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग हुआ, मुश्किल आसान कर देना यानी कि कोई चीज हल कर देना, तो नाव किनारे लगा देना, तो यानी कि मुश्किल आसान आपकी हो गई। निम्नलिखित में से तद्भव का चयन कीजिए, तो जौ, जौ तद्भव क्या होता है, नया शब्द, तत्सम से उत्पन्न जो नया शब्द होगा तद्भव कहेगा जौ। अब इसका पुराना शब्द क्या था, तो यब, पहले हम यब बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, जौ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए जो दोनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, तो वो आपका आंसर होगा विधि। ठीक है, विधि जो होगा वो दोनों लिंगों में, यानी कि ये जो पुरुष लिंग है उसमें भी और जो महिला लिंग है उसमें भी आपका जो विधि है उसको यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में यूज किया जा सकता है विधि, सॉरी सॉरी, प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो दोनों लिंगों में प्रयुक्त होता है वो है आपका आंसर विधि। ठीक है, विधि जो है दोनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर पूरा एक गद्यांश दिया गया था, वो गद्यांश के आधार पर आपको जो आंसर देते, तो आप ये हिंदी का तो सिंपल होता है, कोई भी पढ़ लेगा। ठीक है, इसी में से पढ़ के आपको आंसर निकालने दे, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ये इसके आंसर है, देखिए पहले का पूछा था यह गद्यांश साहित्य की किस विधि का उदाहरण है, तो ये पहला आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत है इसमें। ठीक है, यात्रा के बारे में बताया गया, फिर पूछा कि लेखक ने किस स्थान की यात्रा की है, तो कश्मीर की। ठीक है, सिंपल है, मतलब कोई नॉर्मल क्वेश्चन है। गद्यांश के अनुसार कश्मीर को क्या उपाधि प्राप्त थी, तो पर्वतों का सरमौर कहा गया था इसको, गद्यांश के अकॉर्डिंग चलना। पहाड़ के पर्यायवाची शब्द, ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, पहाड़ के पर्यायवाची, उसमें पहाड़ की बात किया जाए तो उसने बोला पहाड़ के पर्यायवाची शब्द कौन से, तो हो जाएगा अग्र, अद्री और कोहजा। तो ध्यान रखना भाई, पर्यायवाची शब्द भर भर के पूछे गए, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, संधि, यही शब्द पूछे गए। ठीक है, और जो मेरा जेएससी का सिलेबस जो बताया था उसमें भी यही सारे जो टॉपिक्स मैंने बताया और इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, चाहे आप जेएससी के ले लो चाहे एमटीएस, सेम यहाँ पर क्वेश्चन था। ठीक है, और इसमें पूछा गया था कि गद्यांश में यात्रा के लाभ बताएं, तो डिटेल आपको मिल जाएगी, जैसे आप पढ़ेंगे इसको तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा, द एग्जाम हेल्पर और द एग्जाम हेल्पर जीके वाले चैनल पर। ठीक है, दोनों ही चैनल मेरे, दोनों को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर लेना। अब आता है हमारे जीए वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ध्यान रखना यूटी की बात कर रहा है, किस यूटी का जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो सबसे कम वैसे है अंडमान निकोबार का। ठीक है, बट अब यहाँ पर भाई ऑप्शन में नहीं है, इसका 46 के अराउंड कुछ है ना, तो अंडमान है ही नहीं है, तो अंडमान के बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है दैट इज लक्षद्वीप। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हाइएस्ट पूछ रहा है तो सेकेंड हाइएस्ट में कौन सा था, जैसे हाइएस्ट में अगर पूछे तो दिल्ली है, ठीक है, हाइएस्ट, अब पूछ सकता है कि सेकेंड हाइएस्ट किसका था, इस तरीके से भी। ठीक है, तो आपको कम से कम पांच जो है टॉप के और पांच बॉटम के याद रखना है, वो कुछ भी पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में या आपके केंद्र शासित प्रदेशों में लास्ट से तीसरे नंबर पर कौन है, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन बन। ठीक है, तो जनगणना से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है और जनगणना में आपको पूरी करा दूंगा कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉलो कर लेना कौन सा चैनल, देखिए जीके की, हिंदी की, इंग्लिश की और कंप्यूटर की जो आपको क्लासेस हैं, वो मेरा जो सेकंड चैनल है द एग्जाम हेल्पर जी के यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मिलेंगी, ध्यान रखना, इसको ज्वाइन कर लेना जाके। ओके, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना भाई साहब। देखिए चलिए आपको एक बार दिखाई देता हूँ मैं, एक सेकेंड रुकिए जी, इससे आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली यूट्यूब खोल लेना। ठीक है, तो जब तक ये आपका YouTube चालू हो रहा है तब तक हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ओके चलिए, तो देखिए यहाँ से ये आपका हो गया, इस पर फॉलो कर लीजिए। ओके,
चलिए अगला देखिए, मक्का और धान की कटाई के दौरान, मक्का और धान की कटाई के दौरान किया जाने वाला हरुक्का बाउल निम्न नृत्य जो है वो निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है, हरुक्का बाउल। तो जितने भी नृत्य लोकगीत वगैरह होते हैं मैंने बताया था इनसे क्वेश्चन बनता है, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आया। ठीक है, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको सारे करा दूंगी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये आयरलैंड से लिया गया, जिसे आयरिश वियम बोल देते हैं। ठीक है, तो संविधान से पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, डिटेल में भी आपको और कराना चाहूँगा मेरे नोट से करा दूंगा, नहीं तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं टॉपिक वाइज आपको करा दूंगा। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और आज तक जितने भी एग्जाम हुए सभी में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर जाना, यहाँ सर्च मारेंगे आप, ठीक है, दी एग्जाम, एक सेकेंड, पर जी के, ठीक है, देखिए यहाँ से जाएंगे, यहाँ देखिए ये मेरा चैनल है, सेकंड चैनल, इसको चले आना, इसको सब्सक्राइब कर लेना यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने केवल दो वीडियो डाले, कल से आपको यहाँ पर डेली रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए। और दोस्तों आपको वीडियो किस किस के मैं लेके आने वाला हूँ, मैंने बता दिया, वो कैब हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया, इन सब के आपको वीडियो मिलेगी। रीजनिंग का भी मैं आपको लाइव लगा दूंगा, ठीक है, बोर्ड के माध्यम पर, बोर्ड के माध्यम से। और ठीक है, मैथ्स की जो क्लासेस आपकी थोड़ी सी लेट्स हो सकती हैं, ठीक है, मैथ्स के लिए मैं आपके लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ कि आपको एक डेली टारगेट दिया करूँ कि ये आपको डेली टारगेट करना हो, जो कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं वहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1-2 दिन का और मैं आपको ये करवा दूँगा। ओके, अगला है दोस्तों चौथा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण उनकी ब्याज आय में संभावित गिरावट से बचने के साथ साथ बुढ़ापे के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मई 2020 में शुरू की गई थी। यह योजना निम्न में से किस संगठन के माध्यम से कार्यान्वित होती है? तो जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है इसमें किस एक संस्था को इंक्लूड किया गया था, किस संस्था से रिलेटेड है? तो इसमें जो संस्था का हाथ है दैट इज LIC, ठीक है, LIC के साथ इसकी साझेदारी करके प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा गलत हो जाता है। चलिए अगला है, तो जितनी भी योजना होती है आपको सारी करनी है, ध्यान रखना। ब्रिटिश राज के अंतर्गत भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था बंगाल गजट। अगला है, वर्ष 2022 से कौन सा भारतीय व्यापारिक संघ वीवो के स्थान पर IPL का टाइटल स्पॉन्सर हुआ? तो ये आपका गया करंट अफेयर का, तो ये होगा आपका टाटा। ठीक है, टाटा बन गया था, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन था। ठीक है, हिस्ट्री में भी कौन सी जो बुक्स वगैरह होती हैं, अखबार वगैरह पुरानी, वहाँ से क्वेश्चन था। गंगा नदी बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये 25% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है, कितने, 25% क्षेत्र पर फैला है गंगा नदी बेसिन जो है भारत का। ठीक है, तो नदियों से क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार उन भारतीय लेखकों को तो दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है जिन्होंने किसी भी आधिकारिक भारतीय भाषा के अंतर्गत भारतीय साहित्य में योगदान दिया उसे समृद्ध रहा? तो ये है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय भाषा के अंतर्गत भारतीय साहित्य में योगदान देने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, pH स्केल का उपयोग सामान्यतः किसी विलयन की या के डैश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो ये जो विलयन होता है आपका वो उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बताता है। ठीक है, चलिए, भारत के प्रथम स्वदेशी परीक्षण किट का नाम क्या है जो 4 घंटे से कम समय में डेल्टा, अल्फा और अन्य वेरिएंट से नोवल कोरोना वायरस की ओमिक्रोन स्ट्रेन को पृथक कर सकती है? ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन थे, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ओमिक्रोन आपका आंसर हो जाएगा। कन्नड़ के द्वारा संस्कृत में कृति राज तरंगिणी देश के राजाओं की जीवंत व्याख्या करती है? तो ये कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उसके ऊपर ये लिखी गई है। ठीक है, चलिए, सामान्य मूलभूत विशेषताओं के आधार पर एनिमेलिया एनिमेलिया जगत के व्यापक वर्गीकरण के अंतर्गत एस्टेरियस यानी कि स्टारफिश निम्न में से किस संघ फाइला से संबंधित है? तो ये आपकी एकाइनोडर्मेटा है ना, एकाइनोडर्मेटा है ना, एकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा जगह मैंने यहाँ पर गलत लगा दी, तीसरा। ठीक है, तो जितने भी जो जंतु जगत होते हैं आपके है ना, एनिमल जो किंगडम्स होते हैं वो आपको ध्यान से पढ़ के जाने, ये क्वेश्चन डेफिनेटली साइंस से देखिए, दूसरा ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक ऊपर पूछा गया था pH स्केल वाला, निम्न में से कौन सी जनजाति भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली और सबसे पुरानी जनजाति है? ठीक है, तो ये है आपकी संथाल जनजाति। ठीक है, यहाँ पर सबसे पुरानी के अकॉर्डिंग ही संथाल हो जाता है, वैसे सबसे बड़ी बैगा जनजाति आती है। ठीक है, GST कानून के अंतर्गत ये सब दिया गया है, इसमें से पूछा है CGST का, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है, क्या होगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है ना, इसका होगा
एस स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है, इसका होगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अगला जो क्वेश्चन था हमारा इससे था, दिए गए पद्यांश को पढ़िए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दिए। मैंने बोला था कि इसमें भाई जब 2022 में पेपर हुआ ना, इसमें पैसेज के थ्रू में क्वेश्चन दिए गए जो जो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें बोला गया, संसद के हालिया सत्र में सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया था, ठीक है। विपक्षी सांसदों के द्वारा विधेयक की व्यापक समीक्षा की मांग के बाद इसे शिक्षा, महिला, बच्चे और युवा खेल के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा और नौकरियों पाने में समान अवसर सुनिश्चित करेगा तथा मातृ मृत्यु दर और पोषण स्तर में सुधार करने में सहायक होगा, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है, सॉरी। तो करंट अफेयर में भाई ये डिटेल में चला गया, देख रहा पूरा करंट अफेयर का एक पैसेज ही उठा के डाल दिया यहाँ पर। करंट अफेयर थोड़ा पढ़ना, जो अच्छा टॉपिक्स होंगे ना उनको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिले। जैसे अभी नई संसद बनी है तो उसको थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लेना, इस तरीके से जो चीज़ें ये सारी कर लेना, ठीक है। तो निम्न में से जैसे अभी सी ए ए आया है ना, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना। तो निम्न में से कौन सा कथन संसदीय स्थायी समितियों के संबंध में सही नहीं है, तो ये पहला जो है वो सही नहीं है, ठीक है। ये आप इसको पढ़ के आंसर दे सकते हो ना, ये NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया था 2019-21 में, तो यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन से बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इसी इसी पे आधारित है। फिर एक जो इन्होंने जो अगला पैसेज दिया था वो WTO के ऊपर दिया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी जो मेन संगठन है, WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ट्रिप्स संगठन हो गया, है ना, ये सारे जो IP हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गया, जितने भी जो संगठन है बड़े बड़े उनके ऊपर एक यहाँ पर संधि की गई थी, तो क्या संधि थी, क्या उनका उद्देश्य था, उसके ऊपर एक पैसेज रिलेटेड था। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। मैं आपको PDF डाल दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम मेन जो हमारा टॉपिक था, दैट इज कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर आप देखना भाई, पूरे कंप्यूटर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर पूछी गई है भाई। थ्योरेटिकल जो पोर्शन है बहुत कम कर दिया गया है आज के समय में, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिकल रूप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से क्वेश्चन आए थे चलिए देख लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ, थोड़ा आप रुकिएगा दोस्तों। देखिए कंप्यूटर में मैं उसके संबंध में, एक सेकंड, ठीक है। तो ध्यान रखना प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा कंप्यूटर आपके पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन था, और कंप्यूटर से MTS में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर माउस के संदर्भ में बायां बटन आइटमों को डैश करने में सहायक होता है, जबकि दायां बटन मेन्यू को डैश करने में सहायक होता है, ठीक है। तो आपको मालूम है कुछ इस तरीके का आपका होता है, ठीक है। यहाँ एक व्हील लगी होती है, ये आपका होता है राइट, ये होता है आपका लेफ्ट। तो लेफ्ट से आप क्लिक करते हैं, राइट से आपकी एक ऑप्शन सूची ओपन होती है। तो राइट वो लेफ्ट होता है चुनने के लिए, और ये होता है प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। चलिए तो आंसर दो सही है। दुनिया का पहला स्मार्टफोन IBM साइमन किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये किया गया था 1994 में, ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो आप, मतलब आपके जो आजकल जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो भाई, उसमें जो आपके जो मोबाइल फोन है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाता है। मोबाइल फोन हो गया, आपके सिम हो गई, आपके नेटवर्क हो गए आपके, ठीक है, आपका जो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए भाई, मोबाइल से भी आपको पूरा जो मोबाइल है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। मोबाइल के कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं, मोबाइल में सिम्स का क्या यूज़ होता है, मोबाइल में कौन कौन से नेटवर्क्स आते हैं, मोबाइल में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किस कंपनी के द्वारा किया जाता है, किस कंपनी के मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, कौन कौन से रैम के नए वर्जन आ गए हैं, ठीक है। जैसे अभी UFS 3.1 चल रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ओपन और निशुल्क सॉफ्टवेयर स्टैक एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? देख रहे हो स्टैक एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बोला ना मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो ये गूगल के द्वारा है, ठीक है। तो जो एंड्रॉयड है वो किसका है? गूगल का है। एप्पल का कौन सा? MacOS, ठीक है, MacOS जो किसका है? एप्पल का है, ठीक है। इस तरीके से आपको चीज़ें होती है, जैसे अगर आपसे बोले विंडो किसका है तो विंडो नोकिया का है, अगर फोन में देखें तो विंडो नोकिया का है, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर में चले जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट के तहत आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो मोबाइल्स है ना उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, तो ये जानकारी आप ले लें। फिर DSC, मैं बोला डिजिटल जो सिग्नेचर्स होते हैं,
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वहाँ से भी आपके ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक नया चैप्टर जुड़ गया, आईटी एक्ट जुड़ गया, ठीक है। तो और इसके अलावा कियोस्क जुड़ गया आपका, तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? तो वो प्रमाणन अधिकारी जारी करता है, ठीक है। ये मेरा गलत हो गया था, एक मेरा ये गलत था और एक ये गलत था, ठीक है। दो गलत हुए अभी तक। एमएस एक्सेल 2019 में सेल बॉर्डर लागू करने के लिए होम टैब के अंतर्गत निम्न में से किस समूह का चयन किया जाना चाहिए? तो वो होता है आपका फॉन्ट का। मैंने चौथ ये वाला कर दिया भाई, अलाइनमेंट, पता नहीं क्या नशे में था मैं, क्या था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, जो सेल है ना, सेल उसको बॉर्डर लागू करना है एमएस एक्सेल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये एमएस एक्सेल है, ठीक है। तो एमएस एक्सेल जैसे मैंने ये वाली सेलेक्ट सेल चेज चूज की, अभी इस पर बॉर्डर नहीं है, ठीक है। अब मुझे बॉर्डर बनाना, तो देखिए फॉन्ट सेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये फॉन्ट सेक्शन है, यहाँ पर ये एक स्क्वायर है, यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ जैसे थिक बॉर्डर लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पर बॉर्डर आ गया, बाकी में नहीं दिख रहा होगा, बाकी आपको प्लेन होगी, यहाँ पर अलग से दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए अलग से दिख रहा है ना, अलग से देखिए, ये अलग से हाईलाइट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। मैंने क्या चूज कर दिया, मैं हालांकि पढ़ के गया था, बट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फॉन्ट ये अलाइनमेंट है, तो कन्फ्यूजन सा हो गया वहाँ पर जाके, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे चीज़ों को, तो आपको जल्दी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रैक्टिकल नॉलेज आज के समय में ज़्यादा पूछी जा रही है एग्जाम में, तो प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा आपको करके आना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एमएस एक्सेल से पूछ लिया भाई, बताओ देख रहे हो भाई, पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज घुसेड़ दी पूरी। एमएस एक्सेल 2019 में एक सूत्र लगाया गया, जो कि 2+2 डिवाइड बाय 2 × 2 का परिणाम क्या हुआ, ठीक है। भाई हमने क्या लगा दिया इसमें, हमने लगा दिया सीधा सीधा, जैसे कि 2+2 डिवाइड बाय 2 * 2, है ना। मैं सोच रहा कि इसमें अलग तरीके से लगेगा, तो हमने क्या किया भाई, ये सिंपल कर दिया इसको, कि सबसे पहले क्या कर दिया, ये 2+2 जोड़ दिया इधर से और 2 × 2 कर दिया, यानी कि 2+2 = 4 और डिवाइड बाय 4 आ गया एक, मैंने चूज़ किया एक, लो हो गया गलत, देख रहे हो। बट इसमें क्या लगाया ना, बॉर्ड मास लगाया, बॉर्ड मास का रूल लगाया है ना, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन। तो डिवीजन पहले करेंगे तो इसका आ जाएगा 1, 2+2 = 2, 1, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, 1 का 2 * 2 = 2, और 2+2 = 4, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसको फॉर्मूले में लगाएं, तो लो भाई लगा के दिखा देता हूँ आपको एक्सेल में। ये सेल है, यहाँ पर हम लगाते हैं, देखिए इक्वल टू लगाएंगे, है ना, 2 लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, 2 / 2 करेंगे, * 2 करेंगे और एंटर दबाएंगे, 4 आ गया, ठीक है, आ गया ना चार। ओके ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें भी क्या लगा दिया ना, बॉर्ड मास लगा दिया। ओके चलिए ये मेरा एक गलत है, देख सकते हैं आप, फिर से एक गलत हो गया। आप कहोगे भाई तेरे ही गलत निकलना है, भाई कभी कभी हो जाता है ना। मैं बेसिकली उस समय इतना एक्टिव नहीं था, बस मैं ऐसे ही नॉर्मली देने से लगे था। कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का व्यापक रूप से, तो ये होती है जॉयस्टिक, ठीक है। चलिए एमएस पावर पॉइंट में 2019 में केवल टैब नाम प्रदर्शित करने हेतु रिबन को छोटा करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, ठीक है। केवल टैब नाम प्रदर्शित करते हुए रिबन को छोटा करना, यानी कि टैब जो होती है ना आपकी, कई सारी इतनी 7-8 टैब होती है उसमें, उसके अंदर फिर कुछ कुछ ऑप्शन होते हैं इस तरीके से, तो केवल ये चीज़ दिखे, ये वाली चीज़ दिखे, ये ना दिखे, तो ये कौन सा विकल्प होता है, ठीक है। देखिए मैंने क्विक एक्सेस पढ़ा था, बट भाई यहाँ पर कोलैब्स जो है वो नया आ चुका था 2019 में। अब ये होता क्या भाई, इसका नाम ही नहीं पता चलेगा पहली बात तो आपको। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एम एस पावर पॉइंट था ना, ये देखिए अभी आप यहाँ जाएंगे तो जैसे ये होम है, होम में ये टैब दिख रही हूँ आपकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टैब है। अब यहाँ पर आप जाएंगे ना, अब ये देखिए ये एक बटन है, ठीक है, ये एक बटन है, इसको कोलैप्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो यहाँ से भी होता है, बट ये नहीं हो रहा था, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने सोचा था यहाँ से हो जाएगा यार ये चीज़ सारी, बट ये क्या उसमें चेंज हो गई, क्योंकि मेरे उस मेरे पास उस समय 2007 वाली विंडो थी, बट ये अब यहाँ से होता नहीं। इसको मैं क्लिक करूँगा, जैसे देखिए क्या शो हो रहा है मुझे, केवल देखिए यहाँ से विंडो शो हो रही है, एक सेकंड, केवल ये देखिए, अब ये मेरे को केवल टैब शो हो रहा है। अब इसको जैसे नीचे करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन खुल गया, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही थी इसमें, ओके। तो पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पर चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न वाली, ठीक है। 2019 निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोम उत्पादन के समय आवरित यानी मास्क लॉक नहीं होते हैं, तो ये होता है आपका डबल ईपी रोम, ठीक है। तो काफ़ी कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर, बहुत प्रैक्टिकली, ठीक है। अब अगला पूछा गया था आईटीएक्स से, इन विच ईयर वॉज द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बिल पास्ड इन लोकसभा, तो ये हुआ था 2008 में, ठीक है, 2008 में लोकसभा से ये पास हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स सिस्टम के लिए एक बेसिक फाइल सिस्टम है, तो वो है आपका यूएफएस, ठीक है। यूएफएस जो है यूनिक्स सिस्टमों के लिए एक बेसिक फाइल सिस्टम है,
ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में कहा जाता है, जब दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक ही समय में मेमोरी में रहते हैं तो इसे कहा जाता है, तो इसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। एमएस वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट विंडो को विभाजित करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है ना, तो एक आपका डॉक्यूमेंट है इसको विंडो दोनों पार्ट करना क्या होगा, कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस दबाएंगे तो आपका विंडो डिवाइड हो जाएगा, एस फॉर स्प्लिट, ठीक है, तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस एस दबा देंगे तो स्प्लिट, ये शॉर्टकट की से आ गया, शॉर्टकट की में भी एमएस वर्ड घुसेड़ दिया उसने, तो आप देख रहे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम से आ गया आपका, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम से आ गया, देख ले, ठीक है। फिर डीएससी से डिजिटल सिग्नेचर से आ गया कि निम्नलिखित में किस क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होते हैं, तो ये होती है आपकी पब्लिक की, ठीक है, इसमें दो की होती है पब्लिक और प्राइवेट की, तो यहाँ पर पब्लिक की आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूचना प्रणाली इंफॉर्मेशन सिस्टम हार्डवेयर और डेस्क का एक संयोजन, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। अगला है कंप्यूटर की विशेषताओं में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही या गलत कथन है उसका निर्धारण कीजिए, तो स्वचालन ऑटोमेशन कंप्यूटर की विशेषता है, बिल्कुल सही है, स्वचालित है ना, स्वचालित भी करते हैं कंप्यूटर की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी डेटा के समान सेट के लिए सतत परिणाम देने की क्षमता को संदर्भ करती है, ये भी सही है भाई, दोनों सही हो जाएंगे। लगभग प्रत्येक कंप्यूटर में किसी न किसी क्षमता का रोम होता ही है जिसमें डैश होते हैं, तो उसमें क्या होता है बूट फर्मवेयर होता है, जब जो कोई भी कंप्यूटर जो सिस्टम होता है उसमें बूट फर्मवेयर जरूर होता है तभी आपका कंप्यूटर चालू हुआ, तो कुछ ना कुछ उसमें रोम होती है, ठीक है। रैम में संग्रहित जानकारी को डैश की सहायता से जाना जाता है, तो ये होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये जो प्रक्रिया है चालू होती है। विनजिप सॉफ्टवेयर एक प्रकार का उदाहरण है भाई, देख रहे हो शेयरवेयर उदाहरण है, मैं लगा के आ रहा हूँ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, अरे यार विनजिप आप देखते हो कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो कभी कभी विनजिप फाइल में डाउनलोड होती है, तो क्या शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पता नहीं उस समय क्या हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ई लोकतंत्र ई डेमोक्रेसी को संदर्भित करता है, तो यह है समाज के सभी वर्गों को राज्य के प्रशासन में भागीदारी हेतु सक्षम बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए आईटी का उपयोग, यहाँ पर भी आईटी का उपयोग था बट यहाँ पर थोड़ा सा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के बजाय समाज के सभी वर्गों को राज्य के प्रशासन में भागीदारी है, ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा सा था। चलिए आंध्र प्रदेश में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस पहल गवर्नमेंट टू सिटीजन और ई बिजनेस टू सिटीजन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई, दैट इज ई सेवा, ये करंट अफेयर का था, और यहाँ पर देखिए एक टॉपिक्स और आता है इसमें ई गवर्नमेंट ई ई ई योजनाएं है ना, तो कुछ भी इंटरनेट से रिलेटेड या ई कॉमर्स से रिलेटेड या ई स्कीम्स से रिलेटेड कोई भी नया न्यूज़ है तो उसको भी आपको नोट करते हुए चलना, करंट अफेयर के तौर पर वो पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक माइन फाइल सिस्टम नहीं है, तो NTFS है, फैट है फाइल एलोकेशन सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम एक्स फैट, ठीक है, WQFS नहीं है। वर्तमान में प्रचलित उत्पादों का विज्ञापन कर उनकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचना कियोस्क का उपयोग किया जाता है, तो ये होते हैं आपके खुदरा, ठीक है, खुदरा। अब देखिए अगला है रैम, ये आपका जो मेमोरी है वहाँ से पूछा गया, एस रैम डी रैम से धीमी होती है, ये तो भाई बिल्कुल गलत है, आपको सही बताना ये गलत है, क्योंकि एस रैम तेज होती है धीमी नहीं होती, डी रैम में कैपेसिटर और कुछ ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है, बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि ये धीमे होते हैं इसलिए। एमएस वर्ड 2019 में रिवर मेन्यू के किस टैब के अंतर्गत मार्जिन होते हैं, तो ये आपका पेज लेआउट वाला जो सेक्शन होता है वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका एमएस वर्ड है, यहाँ पर पेज लेआउट ऊपर इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मार्जिन आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिकल चीजों को पढ़ेंगे, मैं प्रैक्टिकल माध्यम से आपको एमएस वर्ड एमएस पावर पॉइंट एमएस एक्सेल पढ़ाऊंगा, वहीं से ज्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर और नियंत्रण डिवाइसों तथा बाह्य उपकरणों के पेरिफेरल्स के साथ संचार करता है, जैसे देखिए आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, अब आपको एक सीपीयू होता है आपका, ठीक है, सीपीयू, ठीक है, इस तरीके से, अब आपको एक प्रिंटर है, प्रिंटर से प्रिंट निकलते हैं, ठीक है, तो प्रिंटर को इसमें कनेक्ट करना है आपको, तो इसके लिए आपको एक ड्राइवर की जरूरत होती है ना, प्रिंटर कनेक्ट करना है या कोई भी अदर चीज़ जो आपको कनेक्ट करनी है इसके अंतर्गत, प्रिंटर हो गया, इसके अलावा और भी चीज़ होती है जो स्कैनर्स वगैरह होते हैं, तो उसका एक ड्राइवर आता है मार्केट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए कंप्यूटर की लाखों कार्यों या गणनाओं को समान और सटीकता एक्यूरेसी के साथ करने की वो उसकी कर्मठता डिलीजेंस कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं सततता, सततता यानी कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के साथ जो है आपका कंप्यूटर काम करता है। एमएस पावर पॉइंट 2019 के निम्नलिखित में से किस विकल्प में कस्टम फॉर्मेटिंग स्टाइल फॉन्ट और लेआउट के साथ साथ कलर स्कीम्स भी शामिल होती है, वो होता है आपका थीम्स ऑप्शन, ठीक है, तो देख सकते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल पूरा रख दिया उसने, तो देखिए आप जाएंगे यहाँ पर डिज़ाइन वाले सेक्शंस में,
यहाँ पर थीम्स ऑप्शन करके मिलेगा ये वाला, इसमें देखिए कलर्स है, फॉन्ट है, इफेक्ट्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। चलिए अगला है, विच चैप्टर ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डील्स विथ रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, तो वो आपका हुआ चैप्टर 4। ये तो मैंने लगाया ही नहीं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आईटी एक्स से देखिए 2 से 3 क्वेश्चन हुए आपके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वाम्य यानी कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फ्री है वो हमें बताना है, प्रोप्राइटरी यानी कि जो पैसों से मिलता है उसको बोलते हैं, तो हमें कौन सा नहीं ढूंढना है, यानी जो फ्री सॉफ्टवेयर है, तो फ्री कौन सा है, लिनक्स। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है। विंडोज आपको परचेस करना पड़ता है, स्काइप परचेस है, एप्पल मैकओएस परचेस करना आपको पड़ता है, ठीक है। चलिए अब ये पूरा एक मेमोरी के ऊपर यहाँ पर पैसेज दे दिया था और यहाँ से मेमोरी से आपके आंसर पूछे गए थे, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें। तो आप इस पैसेज को पढ़ेंगे बहुत ईजिली आपको आंसर मिल जाएंगे। जैसे कंप्यूटर डेस्क के बिना संचालित किया जा सकते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी, जो मेमोरी कार्ड अपन बाहर से लगाते हैं, जो हार्ड डिस्क वगैरह बाहर से लगाते हैं, उसके बिना भी आपके कंप्यूटर संचालित किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेमोरी की एक्सेस गति के संबंध में निम्न मेमोरी प्रकारों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के विकल्प चाहिए। तो सबसे तेज होती है कैश मेमोरी, उसके बाद प्राथमिक मेमोरी रैम और रोम होती है, उसके बाद द्वितीयक जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो तेज होती है, ठीक है। तो कैश मेमोरी सबसे फास्ट, फिर प्राथमिक और फिर द्वितीयक मेमोरी। ओके चलिए, ये वैसे भी आप निकाल सकते हैं, कैश मेमोरी और डैश के बीच एक बफर के रूप में काम करती है। जो कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू और रैम के बीच में बफर का काम करती है, ठीक है, ध्यान रखना। कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय मेमोरी है, तो जो हार्ड डिस्क होती है आपकी चुंबकीय मेमोरी होती है, ठीक है। ये आपकी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत चुंबकीय मेमोरी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना था। तो द्वितीयक मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है, तो ये गलत कथन है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला फिर से आपका एक पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेज है उससे क्वेश्चन आपको पूछा गया था। पहला था, माउस केवल तार युक्त संस्करणों में उपलब्ध है, गलत। आजकल वायरलेस माउस भी उपलब्ध है। MICR और OCR इनपुट डिवाइसों के उदाहरण है, तो बिल्कुल इनपुट डिवाइसों के उदाहरण है ये, ठीक है। तो ये आपका सेकंड से ही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक पॉइंटिंग है, टचपैड पॉइंटिंग है, माउस आपका पॉइंटिंग है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट भी आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ये बिल्कुल सही बात है, अपन ऊपर ही पढ़ा, देख रहे हो, यहाँ देखिए टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो यहीं से आंसर मिल गया इसका, देख रहे हो, ये चीज़ है। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइसों की एक मान्य श्रेणी नहीं है, तो रिकॉग्निशन करते हैं इनपुट डिवाइस, बिल्कुल करते हैं रिकॉग्निशन, ठीक है ना, जैसे MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, पॉइंटिंग डिवाइस करते हैं बिल्कुल, ड्रॉ करते हैं माउस से ड्रॉ करते हैं, पॉइंटिंग गेमिंग करते हैं, कलर्ड जो है इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। कंप्यूटर माउस में कम से कम कितने बटन होते हैं, भाई दो कम से कम होते हैं, कम से कम 2 बटन तो आपका कोई भी कंप्यूटर आपको देता है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों, मैंने पूरा पेपर जो है आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, और इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, और सेकेंड वाला है द एग्जाम हेल्पर GK, वहाँ पर भी आपको इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियोस में NBS JSA के जो बाकी के पेपर हैं, और भी जो अदर पोस्ट हैं, ESO वगैरह हो गया, लैब अटेंडेंट वगैरह, उसके भी पेपर मैं आपको करा दूंगा, और जो आपकी तैयारी है मेरे सेकंड चैनल द एग्जाम पर GK पर, आपको कल से रेगुलर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसे जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, मैंने बताया था किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को यार एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।